मुजफ्फरनगर के लिए, मुसीफाबाद के पचेड़ा कला गांव के लिए जनता इंटर कॉलेज में से रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मीड टाउन के द्वारा वह टैलेंटेड ब्लॉक के लिए वह पुण्य निर्माण कार्य कराया गया था और जिसमें उद्घाटन के रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल व योग्यपति के लिए 20 सेंट फंक्शन के द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में छात्र व छात्राओं को भी स्वच्छता और वह अपर टीवी पर वह फिल्म भी दिखाई गई थी। उन पर शौचालय स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई है। छात्राओं को भी इसके ऊपर वह पेन डिवाइडर के लिए वह फ्री किया गया था। वहीं पर छात्राओं के लिए महामारी के ऊपर भी वह लिखित रोटरी क्लब के लिए पुस्तक भी भेंट की गई है। वही कार्यक्रम में संता इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा रोटरी क्लब के लिए पदाधिकारियों को भी फूलों व गुलदस्तों के साथ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। वहीं पर रोटरी क्लब के लिए मिड टाउन में से वहीं पर टीम के जनता इंटर कॉलेज के रक्षण के मीडिया सेंटर के अध्यक्ष में से अनिल राय जी ने भी, पिता श्री व रघु वीर सिंह रायल जी ने भी कॉलेज के छात्र व छात्राओं को जानकारी देने के लिए प्रोजेक्टर प्रदान कर फूलमालाओं के साथ स्वागत किया है। रोटरी क्लब मिटन द्वारा समाज के क्षेत्र में एक नया आयाम साबित किया गया है। इससे पहले हमने मेगा खेड़ी में एक शौचालय का इनोग्रेशन किया था, आज उसी कड़ी में दूसरे शौचालय का इनोग्रेशन जनता इंटर कॉलेज मुसफाबाद पचेड़ा कला में हो रहा है, जहाँ लड़के लड़कियों की संख्या 800-900 बच्चे पढ़ते हैं, 1000 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की। यहाँ की शौचालय की व्यवस्था बड़ी ख़राब थी, उसे हमने ठीक कराया, नए पत्थर लगवाए, नया शौचालय बनवाया, जहाँ कमी थी उसे दूर कराने की कोशिश की। उसके अलावा हमने एक ई लर्निंग सेंटर प्रोजेक्टर बच्चों को दिया है, जिससे कि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में आसानी रहेगी। प्रोजेक्टर के माध्यम से हमने बच्चों को एक पेन ड्राइव भी उपलब्ध कराई है, जिससे कि पता लगे कि स्वच्छता अभियान के लिए हमें हाथ कैसे धोने, कैसे काम करना है, शौचालय जाने के बाद हाथ धोने और खाना खाने से पहले भी हाथ धोने और खाना खाने के बाद हाथ धोने। रोटरी हमेशा समाज क्षेत्र में अग्नि आगे अग्नि रहेगा। रोटरी ने पोलियो को जड़ से मिटा दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया। अब हमारा मेन उद्देश्य लिटरेसी पे काम करने का, हमें 5 साल का टाकर लिटरेसी पे काम करने के लिए मिला, 5 साल हमें लिटरेसी पे काम करना है, उस लिटरेसी के तहत बच्चों को शिक्षित करना है। अब हमारा ध्यान जो है स्कूलों पे जा रहा है, स्कूलों पर जाकर नया फर्नीचर लगवाना है, प्योरीफायर फिल्टर कैन फिल्टर के माध्यम से हम प्योरीफायर फिल्टर की बीमारी से व्यवस्था चल रही है, हम स्कूलों में स्वच्छ वाटर कराएंगे। मोदी जी का नारा भी स्वच्छता अभियान पर बहुत ज्यादा है, रोटरी ने भी इसे अपनाया है। हम हमेशा समाज क्षेत्र में अग्नि रहे, आगे अग्नि रहेगी। और रोटरी मिड टाउन 21 स्कूलों में ऐसे शौचालय बनाने जा रही है, 2 बन चुके हैं, 19 पेंडिंग का जो है, शाहपुर भी है, कांगला भी है, भड़ोत भी है, रामपुर भी है, गांधीपुर भी है, कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ कोई पहुँच नहीं पाता, वहाँ रोटरी मिड टाउन ने पहुँचने की कोशिश की है। हमारे इंटरनेशनल पार्टनर का हमारा इसमें विशेष सहयोग रहा है, हमारे सभी रोटरी साथियों का, हमारे प्रेजिडेंट सेक्रेटरी शेजार और कमेटी के मेम्बर उमेश जी अकाची सभी का विशेष सहयोग रहा है। आगे भी ऐसे रोटरी मिड टाउन समाज क्षेत्र में काम करती रहेगी। जब भी किसी की आवश्यकता होगी रोटरी हमेशा के साथ तन मन धन से खड़ी रहेगी, जब भी होगा हम करने की कोशिश करेंगे। के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस